तो भाई यो कल लापोर्ता सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रियल मैड्रिड को बोल दिया कि आप तो हिस्ट्री से फेवर करे जा रहे हो स्पेन के जो है वो भाई साहब रिजीम से, रॉयल फैमिली के द्वारा, फ्रेंको के द्वारा। तो इससे रियल मैड्रिड बमक गई कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम फेवर्ड करे गए फ्रेंको के द्वारा। रियल मैड्रिड जो है वो एक 10 मिनट की वीडियो निकाल दी ब्लैक एंड व्हाइट फुटेजेस के साथ, लापोर्ता के फुटेजेस के साथ, टू शो दैट फ्रेंको जो डिक्टेटर थे स्पेन के उस समय, उसने रियल मैड्रिड को फेवर नहीं किया, उसने सेम फेवरिज्म बार्सिलोना के साथ भी किया है। तो इस पूरे कहानी के पीछे क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या हिस्ट्री है स्पेन की, आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा अपने सभी देसी फुटबॉल फैंस के लिए, अपने सभी देसी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना सपोर्टर्स के लिए। देखो भाइयों, मैं एक कट्टर बार्सिलोना फैन हूं, ठीक है, आई रिलेट टू दी आइडियोलॉजी ऑफ बार्सिलोना, हम रिलेट करते होंगे आइडियोलॉजी ऑफ रियल मैड्रिड से। लेकिन स्पेन में वर्ल्ड वॉर टू के समय पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उनको हर्ट करी गई चीजें, क्या उनको हर्ट नहीं करी गई चीजें, उससे अपना लेना एक ना देना दो है। मैं पुणे में बैठा हूँ, तुम रांची में बैठे हो, अहमदाबाद में बैठे हो, तुम भाई साहब उड़ीसा में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, सीधी सी बात यह है यार, वो वर्ल्ड वॉर टू में वहां बार्सिलोना के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ, उससे यार अपन को उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपने देसी भाइयों से नहीं लड़ूंगा कि कैटलोनियन इंडिपेंडेंस को नाम की कोई एक चीज होती है, फ्रेंको ने वो हमको नहीं दी। भाई मैं कैटलोनिया रिप्रेजेंट नहीं करता हूं यार, मैं इंडिया हूं, इंडियन हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। हां, मेरी क्लब की में से मैं बहुत प्यार करता हूं, आइडियोलॉजी वो रिफ्लेक्ट होती है, मैं बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्टर हूं अपने क्लब का। लेकिन एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो उसके बारे में मैं लड़ाई नहीं करने जाऊंगा अपने देसी भाइयों से। सब दोस्ती यारी में रहो यार, ये यूरोपियंस का लफड़ा है, उनको उसमें पढ़ने दो। वी एस इंडियंस, वी शुड सपोर्ट द क्लब ऑन द पिच, ऑफ द पिच भी जो भी माहौल चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा होगा, बट हिस्ट्री वाली लड़ाइयों में अपन भाई बैठ के पॉपकॉर्न खाने वाला काम करें तो बेटर है, रेदर देन लड़ाई करना अपने ही देसी लोग से। सो लेट्स चिल अ बिट एंड लेट्स सी कि हिस्ट्री में हुआ क्या है। तो भाई हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। तो भाई सीधी सी बात यह है कि जो फ्रेंको है ना, वो डिक्टेटर रहे स्पेन के। अब स्पेन में वो डिक्टेटरशिप शायद 1920 से 1970s तक करे, डिक्टेटरशिप बीइंग राजा, राजा बीइंग जो मैं बोलूंगा वैसा होना चाहिए। तो यार सीधी सी बात यह है कि जो स्पेन की कंट्री थी ना, उसमें कैपिटल तो भैया रियल मैड्रिड, मैड्रिड समझ रहे हो, तो कैपिटल मैड्रिड थी, ठीक है, और वहां पे भाई सेम आइडियोलॉजी फॉलो करी जा रही थी। जो राजा साहब जाते थे कि स्पेन मेरा नेशन है, स्पेनिश मेरे नेशन का लैंग्वेज है, स्पेनिश कल्चर जो है वो मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, वही सेम आइडियोलॉजी, वही विचारधारा मैड्रिड में चलती थी, यानी कि रियल मैड्रिड में चलती थी। लेकिन इससे विरुद्ध एक विचारधारा स्पेन के दूसरे पार्ट्स में चलती थी, जैसे बार्सिलोना हो गया, जैसे सेविया हो गया, जैसे एथलेटिक क्लब जहाँ की है वहां पे जो है वो हो गया, बास्क नेशंस जो है हो गए वहां के हो गए। अब ना सीधी बात यह है कि बार्सिलोना ये कहती थी कि यार ठीक है हम स्पेन के पार्ट है, बट वी डू नॉट रिलेट विद स्पेन, हमारी लैंग्वेज अलग है भाई, हम कैटलूनिया वाले हैं, हम कैटलन में बात करेंगे, हमारा फ्लैग अलग है, हमारी बातें अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो यार हमको हमारे हिसाब से रहने दो। सेम एथलेटिक क्लब और बास्क की तरफ के भी जो है वो भाई साहब नेशंस कर रहे थे, स्टेट्स कर रहे थे, यार हमारा आइडेंटिटी अलग है, हमको थोड़ा सा अलग रहने दो। लेकिन फ्रेंको बीइंग द भैया डिक्टेटर ऑफ द नेशन, बीइंग द किंग ऑफ द नेशन, ही वांटेड कि सब साले स्पेनिश में ही बात करेंगे, तुम लोग स्पेन में हो करके कैटलन में बात करोगे, तुम लोग स्पेन में हो करके बास्क लैंग्वेज में बात करोगे, ये सब कुछ नहीं चलेगा, सब स्पेन में बात करेंगे नहीं तो मैं मार डालूंगा तुम लोग को। तो इसके चलते स्पेन में सिविल वॉर छिड़ गया, बार्सिलोना वाले वर्सेस मैड्रिड वाले। तो यहां पे फ्रेंको ने अपनी आर्मी बार्सिलोना में भेजी, मारपीट करवाई और उन लोगों को कर दिया ऑप्रेस, ठीक है। तो उन लोग अपने आप को ऑप्रेस्ड फील करने लग गए कि यार हमको हमारा जो है वो भाई साहब फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, ना हमारा लैंग्वेज फॉलो करने दिया जा रहा है, हमारे फ्लैग्स को बैन कर दिया गया। सेम एथलेटिक क्लब के साथ एथलेटिक क्लब भी बोल गए कि यार अपन तो ऑप्रेस हो गए, हमको हमारे लैंग्वेज को फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, हमारा फ्लैग, हमारे क्लब का नाम चेंज कर दिया यार। तो उन लोग ऑप्रेस्ड फील करते थे, बट एट द सेम टाइम जो उसकी आइडियोलॉजी थी स्पेनिश, समझ लो स्पेनिश कल्चर, स्पेन का कल्चर, वो मैड्रिड में जो है वो टोटली बेस्ड था। अब इसी के चलते वो थोड़ा सा फेवरिज्म मैड्रिड की तरफ करने लग गया, बीइंग द किंग ऑफ द कंट्री, मेरे यहां जो फुटबॉल क्लब, ऑब्वियसली वहां फुटबॉल इज द नंबर वन स्पोर्ट, पॉलिटिक्स तो अपना अलग चल रहा है, देखो ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं ना, कि भाई कंट्री हो, लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, कल्चर हो, ये पॉलिटिक्स थी पूरी। लेकिन इस पॉलिटिक्स को फुटबॉल में भी उतार दिया गया, क्योंकि वहां फुटबॉल को बहुत एकदम क्लोजली फॉलो किया जाता है। तो अब ये हुआ कि भाई बीइंग द किंग ऑफ द कंट्री, मेरे आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली क्लब कौन सी है, तो वो थी रियल मैड्रिड। ही सेड कि चलो ये वो क्लब है जो मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करती है, ये भाई साहब कैपिटल की क्लब है और ये मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करती है, मैं जैसा चाहता हूँ वो ये चाहते हैं, तो यू नो लेट्स व्हाई नॉट लेट्स सपोर्ट देम, एंड ही स्टार्टेड सपोर्टिंग देम। अब यहां पे उस सपोर्ट के व्यू
पॉइंट में कई सारी चीजें जो है वो फ्रेंको ने जेन्युइनली करी है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन इन नो वे आई हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस सो फार कि उसने इन्फ्लुएंस करवा दिया गेम्स को। कैसे सपोर्ट किया मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंको बीइंग द सपोर्टर ऑफ रियल मैड्रिड, भाई साहब गेव सम मनी टू रियल मैड्रिड, फाइनेंशियल हेल्प काफी ज्यादा करी। फ्रेंको हेल्प रियल मैड्रिड टू बिल्ड अ न्यू बिग स्टेडियम इन द यूरोप, यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम भाई साहब रियल मैड्रिड का होना चाहिए था। उसने पैसा दिया वो स्टेडियम बनवाने के लिए, उसने फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई वो स्टेडियम बनवाने के लिए, उसने भाई साहब ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनवा दी, सब एकदम चकाचक करवा दिया, जिसके चलते रियल मैड्रिड की रेवेन्यू काफी ज्यादा हो गई, रियल मैड्रिड अट्रैक्ट करने पाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स और रियल मैड्रिड की टीम सुपर स्ट्रांग बन गई क्योंकि सपोर्ट था किंग के द्वारा। अब एट द सेम टाइम ये जो बार्सिलोना की क्लब थी, एथलेटिक क्लब ये सब थी, दे फाउंड देमसेल्फ टू बी ऐसे कि भाई हम तो ऑप्रेस्ड हो गए हैं, हमको तो कुछ इंडिपेंडेंस मिल नहीं रहा है, और वो उस ऑपरेशन वाली नजर से दूसरी तरफ देखते थे। तो वहां मैड्रिड का पूरा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है किंग के द्वारा, खुलेआम सपोर्ट किया जा रहा है किंग के द्वारा, वहां किंग हर एक जो है वो गेम को पार्टिसिपेट करता था और देखता था बैठ के स्टेडियम में जाकर के एकदम प्रेसिडेंट से हाथ पैर मिला करके। वहां पे किंग प्रेसिडेंट जो उस समय का प्रेसिडेंट थे सैंटियागो बर्नेबाउ उनको अपॉइंट करता है। वहां पे किंग और सैंटियागो बर्नेबाउ हर एक मैच में साथ में दिखते हैं। वहां पे सैंटियागो बर्नेबाउ ऐसे रूल्स बना देता है कि जो एंटी फ्रेंको लोग हैं उन लोग स्टेडियम के अंदर ना घुसें। तो सबको लगने लग गया कि यार ये तो सपोर्ट कर रहा है रियल मैड्रिड को, ये तो चीजें कर रहा है रियल मैड्रिड के लिए, और बीइंग द किंग ऑफ द कंट्री वो क्यों नहीं करेगा। वो तो यही चाहेगा ना कि भाई रियल मैड्रिड बेस्ट क्लब नजर आए पूरे दुनिया पूरे देश में, ताकि समझ में आए कि भाई ये स्पेन का दबदबा है, ये स्पेन की टीम है। स्पेन की टीम कौन? तो वो रियल मैड्रिड होनी चाहिए थी फ्रेंको की नजर से। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट डिफर कर गया, समझ रहे हो, बार्सिलोना का व्यू पॉइंट कैटलान और ये सब था, और यहाँ पे व्यू पॉइंट मैच कर गया रियल मैड्रिड के साथ। तो उसने रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड डिड नॉट यूज फ्रेंको, बट फ्रेंको यूज्ड रियल मैड्रिड टू शो हिज डोमिनेंस, समझ लो, स्पेनिश डोमिनेंस इन द होल कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। वो स्पेनिश डोमिनेंस दिखाना चाह रहा था पूरे यूरोप में। अब इसके चलते थोड़ा मोड़ा हेल्प तो करेगा ही यार, किंग आदमी है क्यों नहीं करेगा। वो तो उसका मोटिव देखो कुछ और था, उसका मोटिव ये नहीं था कि वो रियल मैड्रिड को बेस्ट बना दे, ये कर दे वो कर दे, रियल मैड्रिड तो उसकी फेवरेट टीम है, लेकिन उसका मोटिव ये था कि वो यूरोप में ये दिखाए कि स्पेन की बेस्ट टीम रियल मैड्रिड पूरे यूरोप की राजा है, समझ रहे हो, वी आर द बेस्टेस्ट टीम इन द होल ऑफ यूरोप, वो ये दिखाना चाहता था, जिससे फ्रेंको का छाती तोड़ रहा होता कि स्पेन रिप्रेजेंट हो रहा है यूरोप में, उसको रियल मैड्रिड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब ना कुछ एलिगेशंस बार्सिलोना के द्वारा लगाए जाते हैं जो डी स्टेफानो वाला है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखो बात ये है ना कि इन सब जो एलिगेशंस है ना, इसको ड्रूमरी कहा जाता है, क्योंकि इन एलिगेशंस के खिलाफ कोई एविडेंस फाइंड ही नहीं करी गई है। अब ये कोई एविडेंस क्यों नहीं फाइंड करी गई, या उन एविडेंस वालों को गोली मार दिया गया, या वो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वी रियली डोंट नो। वो किंग है, वो कुछ भी कर सकता था। बट देखो जो डी स्टेफानो वाला केस है, सीधी सी बात ये है कि भाई बार्सिलोना डी स्टेफानो को जो है वो अपने क्लब में ला चुकी थी, ट्रांसफर ले चुकी थी। डी स्टेफानो बीइंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट टाइम, भाई साहब बार्सिलोना प्लेयर बन चुके थे, और वो कुछ फ्रेंडलीज बार्सिलोना के लिए खेले भी थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि एक, मतलब आप समझ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई। बार्सिलोना डी स्टेफानो को खरीदी कोलंबिया के क्लब से, लेकिन उस समय डी स्टेफानो रजिस्टर्ड थे रिवर प्लेट अर्जेंटीना में, तो वो डॉक्यूमेंट फेल हो गए, और वो जैसे ही डॉक्यूमेंट फेल हुआ रियल मैड्रिड कैश कर दी, डी स्टेफानो को ले गई ज्यादा पैसे दे करके। अब यहाँ पे बार्सिलोना फिर से ऑप्रेस फील करने लग गई। अपन को यही लग रहा है कि भाई हेल्प कर दिया इनको किंग, क्यों लगेगा, क्योंकि आप ऑप्रेस्ड हो। एक बार ना उसके नजर से देखो जो ऑप्रेस्ड है, अगर तुम ऑप्रेस्ड हो और तुम देख रहे हो कि वो जो बंदा, जो भाई साहब आपको ऑप्रेस करता है, वो आपके राइवल के साथ उठता बैठता है, तो आपको यही लगेगा कि साला वो जो ऑप्रेस्ड किया हुआ बंदा है ना, वो हेल्प करता है इन लोग को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं रहा होगा, फ्रेंको का हेल्प रहा होगा इस स्टेफानो वाले केस में, लेकिन एविडेंस प्रूफ नहीं है। डी स्टेफानो के आने के बाद रियल मैड्रिड लगातार 5 बार यूसीएल जीत जाती है, उस समय यूरोपियन चैंपियनशिप कहते थे। अब उस लगातार 5 बार यूसीएल जीतने के बाद रियल मैड्रिड एक अलग ही टीम नजर आने लग गई यूरोप में, और जो फ्रेंको का कहीं ना कहीं मोटिव था कि स्पेन को रिप्रेजेंट करे रियल मैड्रिड, और मेरी स्पेन का नाम ऊंचा हो तो वो रियल मैड्रिड के थ्रू ही हो, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी और रियल मैड्रिड की आइडियोलॉजी मिलती है, वो पूरा होता है उसका। अब वो यूरोप में सबको ये कहते थे कि भाई फ्रेंको की टीम है रियल मैड्रिड, स्पेन की टीम है ना रियल मैड्रिड, वो बेस्ट टीम है, फ्रेंको उनका लीडर है। ऑब्वियसली बात है यार, अगर आज सऊदी अरेबिया की क्लब आकर के यूसीएल जीत जाती है, तो लोग सऊदी अरेबिया के किंग का ही नाम लेंगे ना, कि शेख सर ने देखो कितना अच्छा काम करा है ना, तो
वही सेम काम फ्रेंको करवाना चाहता था रियल मैड्रिड के साथ। सेकंड जो बात कही जाती है और वो है कि कोपा डेल रे का गेम था नंबर वन, तो पहला कोपा डेल रे का गेम था जिसमें बार्सिलोना जीत गई 3-0 रियल मैड्रिड से, और सेकंड कोपा डेल रे का गेम जहां पे भाई साहब बार्सिलोना हारती है रियल मैड्रिड से 11-1। इस गेम के बीच में क्या होता है, जब पहला बार्सिलोना जीत गई ना तो फिर फ्रेंको अपने हेंचमैन को भेज देते हैं बार्सिलोना में, अपने मारपीट करने वाले लोगों को भेजते हैं बार्सिलोना में, और बार्सिलोना प्लेयर्स और स्टाफ को कहते हैं कि अगर आज तुम फुटबॉल खेल रहे हो तो वो तुम हमारे रिजीम के चलते खेल रहे हो, नहीं तो तुमको मार डालते अपन। इस डर से उन लोग सेकंड लेग में 11-1 हारते हैं, एंड इट वाज क्वाइट अनयूजुअल ऑफ अ टीम लाइक बार्सिलोना, तो फर्स्ट लेग 3-0 जीत रही है, वो 11-1 कैसे हार सकती है। ऐसा रिपोर्ट्स कहते हैं कि भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे थे उस दिन पिच में, वो चल रहे थे और जो काम कर रही थी वो रियल मैड्रिड कर रही थी, तो इतना ज्यादा सपोर्ट कैसे, समझ रहे हो, इतना ज्यादा सपोर्ट कैसे। तो ये भाई साहब ऑब्वियसली थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो है यार किंग का, बिकॉज ही वांटेड टू शो रियल मैड्रिड एज द बेस्ट क्लब इन द यूरोप, है ना। तो बार्सिलोना ऑपरेस्ड थी, तो इसमें बार्सिलोना टीम में फेस करी है फ्रेंको के थोड़ा सा तुम कह सकते हो दुर्व्यवहार का, बिकॉज उनके आइडियोलॉजीज मीट नहीं करती थी, और यहाँ पे केवल बार्सिलोना किसी की भी आइडियोलॉजी मीट नहीं करती है किंग से, तो किंग भाई साहब चले जाते हैं मारने पीटने के लिए, और ये हर एक कंट्री में होता है। तो बस वही बात है, तो वो रियल मैड्रिड को थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, बट इन नो वे ही पेड द रेफरीज, ही इन्फ्लुएंस्ड थोड़े से ला लीगा के गेम्स हियर एंड देयर, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम रियल मैड्रिड को एकदम सभी जितवा दिया, पावरफुल टीम बनाने का पूरा रिसोर्सेस दिया, लेकिन रेफरीज को खरीदा नहीं खरीदा इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। ये जो कोपा डेल रे वाला गेम भी है, तुम बार्सिलोना प्लेयर से बात करने जाओगे तो उन लोग का स्टेटमेंट और रियल मैड्रिड के स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। बार्सिलोना वाले ऑब्वियसली कहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ऑपरेशन का शिकार रही है बार्सिलोना, लेकिन फेवरेटिज्म का भी जो है वो भाई साहब पूरा एडवांटेज मिला है रियल मैड्रिड को, ऐसा नहीं है कि एडवांटेज नहीं मिला, बट इन नो वे रियल मैड्रिड वाज टोटली भाई साहब इन्फ्लुएंस्ड, एंड रियल मैड्रिड की जो लेगेसी उन्होंने सेट करके आए हैं वो टोटली इन्फ्लुएंस हुई है फ्रेंको के द्वारा। ये भी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, उनकी टीम बहुत अच्छी बन गई, उनके प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छे थे, तो इसलिए उन्होंने एक अपर एज ले लिया बाकी सब टीम से। अब ये तो प्राउड मूवमेंट होना चाहिए, है ना, कि भाई प्राउड मूवमेंट है, किंग जो हमारे देश का किंग है वो मेरी क्लब को सपोर्ट करता है, मेरी आइडियोलॉजी पे चलता था, ये तो प्राउड मूवमेंट है। तो आज के दिन में रियल मैड्रिड ये क्यों शो कर रही है कि फ्रेंको ने तो बार्सिलोना को भी शो मतलब सपोर्ट किया था ऐसा वैसा ये वो। बड़े भाई बात ये है ना कि फ्रेंको जो है वो जर्मन नाजी से मिला हुआ था, अडोल्फ हिटलर का बहुत ऐसे मतलब क्लोज रिलेशन था इनका, लेकिन आज के दिन में 2023 में कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को रिलेट नहीं करवाना चाहती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में अडोल्फ हिटलर के साथ। वो जर्मनी की बायर्न म्यूनिख ही क्यों ना हो गई, जो अडोल्फ हिटलर की ही टीम थी एक समय, वो भी आज के दिन में दे डू नॉट, वो अपने हिस्ट्री से उतना पार्ट काट देते हैं हमेशा, वो भी अपने आप को अडोल्फ हिटलर से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करवाते हैं या रिलेट नहीं करवाते हैं, क्योंकि अडोल्फ हिटलर ने होलोकास्ट वगैरह करवाया था जो यूरोप में काफी ज्यादा ऐसे हीनियस माना गया था, और लोग वो हिस्ट्री भूलना चाहते हैं वहां पे जो ज्यूज के साथ हिटलर ने किया था। तो रियल मैड्रिड अब एट दिस मोमेंट 2023 में डज नॉट वांट देमसेल्फ टू बी रिलेटेड इन एनी और दी अदर वे टू फ्रेंको, और वो ये नहीं दिखाना चाहते कि भाई हमारी लेगेसी के पीछे फ्रेंको का बहुत बड़ा हाथ था। तो भाई कुल मिला के कहानी ये है कि हाँ फेवरेटिज्म थोड़ा सा रहा है रियल मैड्रिड को फ्रेंको का, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मिलती थी, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है भाई फ्रेंको ही जो है वो रियल मैड्रिड के पूरे जो है वो लेगेसी का माई बाप है, सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। बार्सिलोना ऑपरेस्ड थी और भाई साहब उसका जो है वो दुष्परिणाम उन लोग भुगते हैं, है ना, कई बार भुगते हैं, तो वो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे रियल मैड्रिड का बाहर आना, एक ऐसे 10 मिनट का वीडियो बना देना और ऐसा दिखा देना कि भाई ऐसा है वैसा ही है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन दी क्लब्स को हार्म कर रहा है। ठीक है मैं मानता हूं, क्योंकि वो रियल मैड्रिड है यार, वो क्लब है, उनका सेंटीमेंट्स हर्ट हो गया लापोर्ता के स्टेटमेंट से, लापोर्ता का सेंटीमेंट्स हर्ट हो गया कि भाई बार्सिलोना तो ऑपरेस हुई है 1950 से, है ना, तो फिर आज भी तुम ऑपरेस ही कर रहे हो हमको, तो ये कहा की बात हुई, तो उनके सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए और वो क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ वेरी ऑफिशियल वे, तो वो इन सब बातों को कह रहे हैं तो सेंस बना रही है, क्योंकि वो ऑपरेस्ड रहे हैं, उनके पूर्वज ऑपरेस्ड रहे हैं, उनके पूर्वज ने सहा है, होलोकास्ट वगैरह देखे हैं, मारपीट देखे हैं, बॉम्बिंग्स देखे हैं, गोलीबारी देखे हैं, बार्सिलोना वाले सब देखे हैं, तो उन लोग ये चीज एक्सप्रेस करते हैं, बट वी बीइंग इन महाराष्ट्र पुणे और भाई साहब एनी अदर पार्ट ऑफ द इंडियन नेशन, इफ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट कैटलूनियन इंडिपेंडेंस एंड ये सब चीजें, तो आई डोंट थिंक सो दैट इट मेक्स सेंस। Although I myself relate to the club एकदम wholeheartedly, इसमें कोई doubt नहीं है, but being desis, I guess भाई लड़ाई झगड़ा करने का कोई sense नहीं है, वो भी desis के साथ, समझ रहे हो, तो थोड़ा cool रहते हैं, इसमें कोई tension लेने वाली बात नहीं है। अब थोड़ी सी बेवकूफी ना दोनों presidents के द्वारा करी गई है, Real Madrid के भी द्वारा करी गई है, कि भाई आप past में जाकर के एकदम ऐसे 10-5 मिनट की TikTok video edit करके निकाल रहे हो, और यार ये उस video में ये था कि San Diego Bernabeu जो उस समय के president थे, उन्होंने आखिरी में video में ये कहा है कि जिन लोग ये कहते हैं कि स्पेन में
मतलब जो इस रॉयल फैमिली है स्पेन की, वो कहीं ना कहीं फेवर करिए रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड वॉज द क्लब ऑफ द रॉयल रिजीम। मैं उनके पापा के मुंह पे टट्टी करना चाहता हूँ। आई नो इंग्लिश ट्रांजिशन बहुत टट्टी हो जाती है, बट यही कुछ इंग्लिश ट्रांजिशन है उसकी। भाई ये पुट करना उस वीडियो में बहुत बेवकूफी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि लापोर्ता के पापा के मुंह पे टट्टी करना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें करना बहुत अगली है एक तरीके से मेरे हिसाब से। क्लब्स को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आज के दिन में। जब आप अपने आप को रिलेट नहीं करवाना चाह रहे हो उस ड्यूरेशन से, तो फिर आप वीडियो में इतना ज्यादा क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। ये कहीं से भी मतलब ये रियल मैड्रिड का एक्ट मुझे समझ में नहीं आया। बार्सिलोना का भी, लापोर्ता का भी एक्ट, फ्रेंको रैंको के बारे में बात करके जो है वो समझ में नहीं आया। भले ये कह सकता था कि रिसेंटली रियल मैड्रिड यूसीएल वगैरह में काफी ज्यादा रेफरीज के जो है वो भाई साहब फेवरेटिज्म का पार्ट रही है, या फिर वो ये कह सकता था कि बहुत सारे डिसीजंस क्वेश्चनेबल रहे हैं यूसीएल में रियल मैड्रिड के लिए, समझ में जैसा आ सकता था। बट आप फ्रेंको रैंको एरा में चले जाते हो तो वो भी थोड़ा सा गलत हो गया। दोनों प्रेसिडेंट्स के द्वारा थोड़ा सा गलत किया गया है अपने अपने क्लब के द्वारा, अपने अपने क्लब, अपने अपने ओपोजिट क्लब के लिए, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा वर्क करना चाहिए दोनों को। बट ये पूरी कहानी थी दोस्तों, फ्रेंको और पूरी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। ऑपरेशन का शिकार रही है बार्सिलोना, लेकिन इन नो वे अगेन आई वुड लाइक टू से कि इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा फ्रेंको का रहा है रियल मैड्रिड के लिए। फ्रेंको यूज्ड रियल मैड्रिड, नॉट रियल मैड्रिड डिड नॉट यूज्ड फ्रेंको। आई गेस दिस इज हाउ आई शुड एंड दिस वीडियो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। दिस इज शशि शर्मा, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।